नाउ ये 16 सिंबल्स कौन कौन से होते हैं और किस तरह से डिराइव होते हैं ये हम देखेंगे। उसके लिए हम एक चार्ट बना लेते हैं। नाउ हमें 16 सिंबल्स बनाने हैं, ठीक है। नाउ 16 सिंबल्स मतलब क्या होंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। 15 तक ही क्यों लेकर चल रही हूँ मैं, क्योंकि हमारी काउंटिंग भी तो जीरो से शुरू हो रही है, तो टोटल हो गए 15। नाउ अब ध्यान से समझिएगा, ऑक्टल नंबर सिस्टम में मैं आपको ये बात समझा चुकी हूँ कि जो हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम होता है वो एक वेटेड कोड होता है। मतलब हम लेकर चलते हैं 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, और इनके वेट्स होते हैं जो नंबर डिसाइड करते हैं। तो 2 to the power 0 मतलब क्या हुआ, यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 to the power 0 मतलब 1, ठीक है। 2 to the power 1 मतलब क्या हुआ, 2, 2 to the power 1 मतलब 2। नाउ 2 to the power 2 मतलब क्या हुआ यहाँ पर, 4, और 2 to the power 3 मतलब क्या हुआ, 8। मतलब आपके पास ऊपर 4 नंबर्स लिखे, 8, 4, 2, 1। देखिएगा वही ऑक्टल नंबर सिस्टम को एक बार रिकॉल कर लीजिएगा तो आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। अब अगर मुझे ज़ीरो फॉर्म करना है तो मुझे इनमें से किसी की ज़रूरत है, नो, तो मैं क्या लिखूँगी, 0, 0, 0, 0। इफ़ आई वॉन्ट टू फॉर्म 1 तो मुझे सिर्फ किसकी ज़रूरत है, 1 की, तो मैं क्या लिखूँगी, 0, 0, 0, 1। इफ आई वॉन्ट टू फॉर्म 2 तो मुझे किसकी ज़रूरत है, 0, 0, 2 को ले लेते हैं, 2 को यस बोल देते हैं, बाकी सबको मना कर देते। अगर मुझे 3 बनाना है तो 0, 0, 1 और 1, 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3। नाउ 0, 4 चाहिए, 4 को यस करिए, बाकी दोनों को मना कर दीजिए, ठीक है। समझ रहे हैं आप, हम एक टेबल तैयार कर रहे हैं। हमने कहा 4-4 की ग्रुप्स बनाएंगे, ठीक है, तो 4-4 की ग्रुप्स बनेंगे तो उनमें नंबर क्या होंगे, 0001 या 0010, 0011, ऐसे करके। तो किसको क्या मानेंगे वो हमें ये टेबल बता रही है, जो कि डिराइव करना बहुत आसान है। आपको ऊपर लिखना है 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3। यहाँ पर हमने क्या लिखा, 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2 और 2 to the power 3, और इनकी वैल्यू लिखकर हम बस डिराइव कर रहे हैं। बहुत इजी है फॉर्म करना। नाउ अब देखते हैं, 5 लिखना है तो क्या लिखेंगे, 4 को यस कहेंगे और 1 को, ताकि 4 + 1 = 5 हो जाए। 6 लिखना है तो 4, 5, 6 और यहाँ पर लिख दिया 0। 7 लिखना है तो 8 को तो मना कर देंगे क्योंकि बड़ा है, 4 लिया, 4 के बाद और क्या चाहिए, 5, 6 + 1। आप इनको प्लस कर रहे हैं, 4, 5, 6 + 1 = 7। 8 चाहिए तो सिर्फ 8 की जगह 1 करा, बाकी जगह क्या कर दिया, 0। यहाँ मैं ऊपर एक बार और लिख देती हूँ आपके लिए, क्या चाहिए हमको, 8, 4, 2 और 1। ओके, नाउ 9 अगर मुझे चाहिए तो क्या लिखना होगा, 8 तो चाहिए ही और 1 की जगह यस। 10 चाहिए, 8 में 2 प्लस करे तो मुझे 10 मिल जाएगा। 11 चाहिए तो 8, 9, 10 और 1, 11। 12 चाहिए तो 8 + 4 = 12, बाकी जगह 0। देखिए 13 चाहिए, 13 में क्या चाहिएगा अपन को, 8 + 4 = 12 हो जाएगा, और लास्ट वाला 1 चाहिए तो 1, 8 + 4 = 12, 0, 1। 14 चाहिए तो मुझे क्या मिलेगा, 8 + 4 = 12, 13, 14 और 0, 15, 8, 4, 12, 13, 14 और 15, 4, 1। अब बाइनरी नंबर के सारे कॉम्बिनेशंस का टेबल आपके पास है, ये टेबल बिल्ट इन भी है अपने पास, वो देख लेते हैं। क्लियर है आप लोगों को यहाँ तक? नाउ
यहाँ पर इस तरह से कर देते हैं हम, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। सबकी वैल्यू क्लियर है? 10 की जगह क्या है, 12 की जगह क्या है, 11 की जगह क्या है, 0 की जगह 000, 1 की जगह 001, 2 की जगह 0010। अब अगर हमें ऐसा कोई नंबर फॉर्म करना है, मान लीजिए आपको ऐसा कोई नंबर फॉर्म करना है कि मैम मुझे 12 चाहिए, ठीक है, तो बहुत इजी है। आप लिखेंगे 12, ऊपर क्या लिखना है, 8, 4, 2 और 1। अब जल्दी से बताइए क्या होगा, 8 की जगह यस करेंगे, 4 की जगह यस, और बाकी जगह लिख देंगे 00। अगर आपको 9 फॉर्म करना है, ठीक है, तो मुझे चाहिए 8 और बाकी दोनों 0 और 1, 9। अगर मुझे 11 फॉर्म करना है तो सबसे बड़ा नंबर देखिए पहले कौन है, 8 ले लिया, 8 के बाद 4 प्लस करेंगे तो 12 हो जाएगा, अपन ऐसे कर रहे हैं। 8 के बाद 4 तो नहीं चाहिए, 8 के बाद 9, 10 और प्लस 1, 11, तो यहाँ पर क्रॉस कर देंगे और बाकी दोनों जगह यस कर देंगे। आई होप यू आर गेटिंग इट। अब एक बार और समझते हैं, हम ये कह रहे हैं कि हमें, हमारे पास जो नंबर सिस्टम था, बाइनरी नंबर सिस्टम, उसमें जो हम वैल्यू लिखते थे वो बहुत लार्ज साइज का होता था, तो हम ग्रुप बना के काम कर रहे हैं। हम इस तरह से ग्रुप बना रहे हैं, 0 इस तरह से कोई बाइनरी नंबर है और मुझे ये लिखना है, ठीक है। तो हेक्साडेसिमल कहता है आप सिर्फ मुझे 4-4 की ग्रुप्स बनाकर दे दीजिए, बाकी चीज़ मैं हैंडल कर लूँगा। तो देखते हैं अपन 4-4 की ग्रुप्स बनाकर, ये एक 4 का ग्रुप बनाया, ये एक 4 का ग्रुप बनाया, ये एक 4 का ग्रुप बनाया, और जहाँ पूरा ग्रुप नहीं बन रहा वहाँ हम क्या ऐड कर देते हैं, 0, 0। अब देखिए 0, 1, 0, 0, 1 क्या लिखा है यहाँ पर, 1, 0, 0, 1, समझिए 8, 4, 2 और 1, 8 प्लस 1 क्या होगा, 9, मतलब ये क्या है, 9। 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1 क्या था, 8। 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 8, फिर अगेन 1000, तो हमें क्या मिल गया, 8, क्योंकि स्टार्टिंग का 8 ले रहे हैं, बाकी सबको ले ही नहीं रहे, क्लियर है। तो हमें क्या मिल गया, 8, 8 और 9, ओके, क्लियर है ये आपको। अब इसके नीचे अपन क्या लगा देंगे, इट्स एन हेक्साडेसिमल नंबर। अब अगेन देखते हैं हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं। हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस जो आते हैं वो बिल्कुल सेम इसी पैटर्न के आते हैं। कुछ भी क्वेश्चन, जैसे बाइनरी नंबर दिया और वो हमसे कहेंगे इसको हेक्साडेसिमल में बदलिए, तो जस्ट अपन ने अभी करा है, अब अगेन इसको हेक्साडेसिमल में बदलते हैं। ये नंबर क्या दे रहा है, एट, फोर, टू और वन, 1, 2, 4, 8, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, 16, है ना, क्या पढ़ रही हूँ मैं, 1, 2, 4, 8, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, 16, कि ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है। अब कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ अराइज हो जाती है इस नंबर सिस्टम में, कि अगर मैं ये लिख रही हूँ साथ में, तो क्या मैं इसे 12 पढ़ूँ और बाद में जब चेंज करना हो तो मैं इसको ऐसा लिखूं, 12 तो अपन ऐसा लिखते हैं ना, 8 और 4 दोनों चाहिए, बाकी दोनों 0, तो क्या मैं इसे 12 पढ़ूं या मैं इसको 1248 पढ़ूं या 1248 पढ़ूं। तो इस कॉम्प्लेक्सिटी को हेक्साडेसिमल नंबर बहुत इजीली सॉल्व करता है। हेक्साडेसिमल नंबर कहता है कि 0 से 9 तक तो अपन वैसे ही चलेंगे जैसे अपन बात कर रहे थे, बट जहाँ 10 है वहाँ आप 10 ना लिखकर A लिखिए, जहाँ 11 है वहाँ आप 11 ना लिखकर B लिखिए, 12 को लिखेंगे थर्टीन को हम लिखेंगे D, 14 को हम लिखेंगे E और 15 को हम लिखेंगे F। मतलब अब 12 में मुझे 1, 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ क्या लिखूँगी, C। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या बोल रही हूँ मैं, 0 से लेकर 9 तक तो अपन वैसे ही वर्क करेंगे जैसे अभी कर रहे थे, बट अगर 10, 11, 12, 13, 14, 15 कोई नंबर आता है तो आप वहाँ 10 ना लिख कर A, B, C, D, E, F लिखेंगे। इसका भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, उससे हमको इजली क्लियर हो जाएगा।
देखिए अपन एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल नंबर है, ये मेरा नंबर है, ठीक है। अब इसको फोर फोर के ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले 1, 2, 3 और 4, ठीक है। अब 1 1 1 1 होता है 15 का, क्यों? 8 प्लस 4 12, 12 13 14, 14 प्लस 1 15। ये जो नंबर होता है 8 प्लस 4, ये है 12 का। ये जो नंबर है 8 प्लस 4 12 प्लस 2 14, और ये नंबर है 15, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ 1 5 1 4 1 2 1 5, तो हेक्साडेसिमल में ये नंबर गलत माना जाएगा, ये तरीका है ही नहीं। उन्होंने कहा है कि जब भी आपके नंबर 10 से बड़े आए तो आप वहाँ पर ए बी सी डी लिखेंगे, ना कि ये। तो अपन ने कहा 10 के लिए क्या है ए, 11 के लिए बी, 12 के लिए सी, 13 के लिए डी, 14 के लिए ई और 15 के लिए क्या है एफ। अब मेरे पास क्या है, 15 है, तो 15 के लिए मैं क्या लिखती हूँ एफ, ठीक है। फिफ्टीन के लिए मैं क्या लिख देती हूँ यहाँ पर एफ, 12 के लिए मुझे क्या लिखना है यहाँ पर सी, 14 के लिए मुझे क्या लिखना है यहाँ पर ई और 15 के लिए मुझे क्या लिखना है एफ, ठीक है। अब इस नंबर को अपन इजीली लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे अपन इसको, अपन लिखेंगे एफ ई सी एफ 16, क्लियर है। तो अभी हमने सीखा किसी भी बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका, जो कि बहुत आसान है। पहला स्टेप में हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में हमें फोर फोर के ग्रुप्स बनाने, ठीक है। सेकंड स्टेप में हमें ईच ग्रुप को कंसिडर करना है, हर ग्रुप को कंसिडर करना है और ये चेक करना है कि वो ग्रुप एक्चुअली हेक्साडेसिमल में किस वैल्यू के बराबर है, वो फोर डिजिट का ग्रुप किस वैल्यू के। वो इजीली है, आप उन फोर नंबर्स पे वेट कर दीजिए 8 4 2 1, और जिस जिस के करस्पॉन्डिंग वन है उन उनको प्लस कर दीजिए, बाकी दोनों को रहने दीजिए। फिर अगर आपके पास कोई नंबर 10 से बड़ा आता है तो उसकी जगह लिखिए ए बी सी डी ई एफ, ना कि 10 11 12 13 14, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं वो देख लेते हैं। इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है उसका बेस होता है 16, मतलब 16 यूनिक सिंबल्स यहाँ पर यूज होंगे, 0 से लेकर 9 तक और ए से लेकर एफ तक। 10 को हम ए मानेंगे, 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई और 15 को एफ। ये हमारे लिए बहुत ईजी नंबर सिस्टम है कंपेयर टू बाइनरी। हम जब बाइनरी में बात करते हैं तो नंबर्स को रिकॉल करना, नंबर को लर्न करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स में कई बार आगे ओ एक्स लगा दिया जाता है जिससे पहचाना जा सके कि ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है, क्लियर है। या फिर इसको एंड में एच से डिनोट किया जाता है। अभी अपन ने लिखा ना एफ एफ सी एफ, तो अगर मैं इसके एंड में एच लिख दूंगी तो भी ये समझा जाएगा, क्योंकि ई से लेकर एफ तक है ना अपने, उसमें अल्फाबेट में एच तो है ही नहीं, तो अगर मैं एच लिख दूंगी तो भी ये माना जाएगा कि ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है। या आगे मैं ओ एक्स लगा दूंगी तो भी ये माना जाएगा कि ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है, क्लियर है। नाउ इसके बाद देखते हैं हम, शेयर करते हैं स्पीच को। हमारा जो मेमोरी सिस्टम है वो क्या कहता है कि
आप किसी भी फॉर्म में नंबर को स्टोर कर सकते हैं, हेक्साडेसिमल फॉर्म में आप आसानी से नंबर को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट।